माय YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। मैं हूँ अमीना और आप देख रहे हैं किचन विद अमीना यूट्यूब चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन के मसाले वाले गोश्त। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर भी करती हूँ। मसाले वाले गोश्त बनाने के लिए चिकन के हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, आइए उसे देख लेते हैं। मैंने लिया है 1 kg चिकन, 2 प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है मीडियम साइज की, इसको हम ब्राउन करके निकाल लेंगे। 1 teaspoon लिया है मैंने जिंजर पेस्ट, 1 teaspoon लिया मैंने गार्लिक पेस्ट, प्याज लिए मैंने 4 से 5 मीडियम साइज की प्याज को मैंने उसका पेस्ट बना लिया है, पिसी हुई मिर्च 1 tablespoon, नमक हस्बे जायका अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, नमक हल्दी पाउडर 1 teaspoon, 2 tablespoon लिया है मैंने धनिया पाउडर, कुछ लिए मैंने साबित गर्म मसाले 1 teaspoon, फिर तोड़ लिया है मैंने दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 1/2 teaspoon ज़ीरा, ये जो तैयारी के वक्त हम डालेंगे 1/2 teaspoon काली मिर्च, 1/2 teaspoon ज़ीरा पाउडर भुना हुआ एंड 1/2 teaspoon गरम मसाला। ऑयल लेंगे हम 1 cup। चलिए जी शुरू करते हैं। पैन में सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। सबसे पहले प्याज को डाल के हम इसे गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करिएगा, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया, मैं इसे निकाल लेती हूँ। प्याज ब्राउन हो चुका था, मैंने निकाल लिया उसे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ साबित गरम मसाले। गरम मसालों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। गरम मसाले को हमने फ्राई कर लिया है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन को। उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। ताकि चिकन थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, बिल्कुल इसे फ्राई करने के साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा जो है 1/2 teaspoon के आसपास जिंजर और गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दूंगी। 1/2 teaspoon जिंजर पेस्ट, 1/2 teaspoon गार्लिक पेस्ट ऐड डालेंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चलिए जी देखिए गोश्त अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे साइड कर देंगे और मसाला भुनने की तैयारी करते हैं। इसे मैंने पॉट ले लिया है, अब मैं इसमें भी ऐड करूंगी थोड़ा सा 1/2 cup ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हम इसे हल्का सा भूनेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज का पेस्ट। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर 2 tablespoon। हल्दी पाउडर, पीसी हुई लाल मिर्च, नमक, इन सबको करेंगे मिक्स। और थोड़ा सा पानी देके हम इसे कवर करके छोड़ देंगे, मसाला भुनने तक हम इसे अच्छे से भुनेंगे। और इसे कवर करके हम छोड़ देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, ना ज्यादा हाई रखेंगे ना ज्यादा लो रखेंगे। चलिए जी मसाले को भुनते हुए 20 से 25 मिनट हो गया, आइए देखते हैं। अभी भी मसाला हमारा अच्छे से और भुनाएगा।
इसे हम थोड़ा और भुनेंगे। इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे प्याज जो हमने फ्राई की थी ना, वो हम इसमें डाल देंगे। और इसे कवर कर देंगे ताकि प्याज भी जो फ्राई की हुई है वो अच्छे से गल जाए इसमें। और इसे थोड़ा सा और भूनेंगे हम, उसके बाद मिलते हैं 10 मिनट तक इसे और भून लेते हैं, ठीक है। 10 मिनट हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से भुना चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त जो हमने फ्राई किया था। इसे साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट से भून लेते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। गोश्त की गल जाने तक हम इसे कवर कर देते हैं। और जिस पैन में हमने गोश्त को फ्राई किया था उस पैन में हम पानी डाल के उसे गर्म करने के लिए चढ़ा देंगे इसके शोरबे के लिए। 10 से 12 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। और ये आपस में अच्छे से भुना के अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च, भुना पिसा हुआ जीरा और गरम मसाला पाउडर। और जितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं, अगर आपको पतला करना है तो पतला कर लें, मुझे ज़्यादा हमें पतला पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लूँगी। पानी को मैंने गर्म कर लिया था। मिक्स कर लेते हैं इसे। मिर्च डालना चाहते हैं डालें, इससे थोड़ा फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है, तो मैं डाल दे रही हूँ मोटी मिर्च। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। और अब मैं आपको डिश आउट करके ही दिखाऊंगी, ठीक है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। उसे प्रेस करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।